बीते साल ऊंची ब्याज दरों ने लोगों पर ईएमआई का बोझ बढ़ाए रखा था, लेकिन इस साल ब्याज दरों में कमी के आसार के चलते ईएमआई में कमी की उम्मीद की जा रही है। इसकी वजह है कि रिटेल महंगाई दर में कमी आने से इंटरेस्ट रेट में कटौती की गुंजाइश बन गई है। माना जा रहा है कि आरबीआई जून या जुलाई में रेपो रेट में कटौती शुरू कर देगा। फिलहाल तो महंगाई दर आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ज्यादा है, लेकिन आने वाले महीनों में इसके कम होने की उम्मीद है। जानकारों के अनुसार धीमी वैश्विक ग्रोथ के बीच भारत की तेज विकास दर को समर्थन देने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति को आसान बना सकता है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व ने भी संकेत दिया है कि इस साल ब्याज दरों में कटौती शुरू हो सकती है। हालांकि फेड रिजर्व ने भी कहा है कि फिलहाल ऊंची ब्याज दरों का दौर जारी रहेगा। ऐसे में भारत के लिए अनुमान है कि ब्याज दरों में पहली कटौती जून के बाद संभव है। 2024 के मध्य तक रेपो रेट 6.5% पर बने रहने के बाद 6.25% पर आ सकती है। हालांकि जून या जुलाई में होने वाली संभावित कटौती के बाद ग्राहकों को ज्यादातर बैंक इसका फायदा 2 या 3 महीने बाद ही देंगे। इसमें भी मौजूदा ग्राहकों को रेपो रेट में कटौती के कुछ हिस्से का ही फायदा मिलेगा और ज्यादा फायदा नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाएगा। मौजूदा ग्राहकों को तुरंत इसका फायदा उठाने के लिए अपने लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट यानी EBLR में बदलवाना होगा। EBLR के सीधे रेपो रेट से जुड़े होने की वजह से होम लोन लेने वालों को दर में कमी का सबसे तेज फायदा मिलता है। जानकार बताते हैं कि रेपो रेट में कमी का फैसला RBI उसी हालत में करेगा जब महंगाई में कमी आएगी और लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार होगा। अगर सब कुछ अनुमानों के मुताबिक चला तो फिर जून जुलाई में 4.5% का रेट कट करने का ऐलान किया जा सकता है। अगर महंगाई और लिक्विडिटी की हालत में सुधार हुआ तो फिर लोगों को ज्यादा रेट कट का तोहफा मिल सकता है। ऐसे में इस साल 0.5% से 0.25% तक रेपो रेट घटाई जा सकती है। ऐसे आगे रेट न बढ़ने की उम्मीद के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तो रिटेल लोन की दरों में 0.15% की कटौती कर ग्राहकों को न्यू ईयर गिफ्ट भी दे दिया है। इसका फायदा दरअसल होम लोन, कार लोन और गोल्ड लोन ग्राहकों को मिलेगा। कार और गोल्ड लोन ग्राहकों की तो पहली 3 EMI भी बैंक ने माफ करने का ऐलान किया है। वहीं होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस को जीरो कर दिया गया है। उम्मीद है कि ऐसे ऐलान इस साल ज्यादा संख्या में होंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।